जय हिंद दोस्तों, सॉल्वी ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे 17th वीडियो में, उसमें बढ़ने से पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब चलते हैं हमारे अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML ब्लॉक प्लस इनलाइन एलिमेंट। अगर ये ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट होती क्या है, तो पहली चीज देखो, हमने आज तक ये देखा है कि भैया HTML के जो एलिमेंट है उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी सेट होती है। यानी कि वो किस पे डिपेंड होता है, वो HTML के एलिमेंट पे डिपेंड होता है कि आखिर वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारी क्या रहता है। यानी कि मान लो कि लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू वो क्या लेता है। तो आज हम दो वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ द HTML है, एक मिनट भाई जरा मैं अपना पेन ले लूं, ठीक है। तो चलो देखो, HTML ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ HTML हैज अ डिफॉल्ट वैल्यू व्हिच वाज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज। इट मींस कि सारे जो HTML एलिमेंट होते हैं उसकी एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी सेट होती है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करती है, वो किस टाइप की एलिमेंट है जिसकी ऑलरेडी ये वैल्यू सेट है। जस्ट लाइक कि आपने हेडिंग 1, H1, H2, टेबल, ये सारी चीजें देखी हुई। अब देखो, इसी में हम लोगों को इसने दो भाग में डिवाइड कर दिया, यानी कि देयर आर टू डिस्प्ले वैल्यू, फर्स्ट इज ब्लॉक एंड सेकंड इज इनलाइन। अब ये देखो, ब्लॉक लेवल, ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं। तो देखो, ब्लॉक एलिमेंट जो होती है ना, वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होती है। यानी कि वो लेफ्ट राइट वाइट, आपको मैंने टेबल में पढ़ाया था ना कि 100% वाइट, 100% मींस नो मार्जिन विल बी लीव इन फ्रॉम लेफ्ट और राइट और टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग ब्लॉक, यानी कि चारों साइड से वो फुल्ली फिल अप हो, कहीं से भी एक इंच का जगह ना मिले, ठीक है। तो द ब्लॉक एलिमेंट इज ऑलवेज स्टार्टेड विद अ न्यू लाइन, ठीक है। उसके बाद द ब्राउजर इज ऑटोमेटिकली ऐड द मार्जिन। ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है ना कि ब्राउजर जो है हमारा ऑटोमेटिकली ऐड कर लेता है मार्जिन। इट मींस कि उसमें कितना छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है, कितनी जगह, यानी कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट होता है, ठीक है। इसे भी हम लोग सेट कर सकते हैं CSS के थ्रू, ठीक है। लेकिन बस हम लोग कलर वगैरह ये सारी चीजें को सेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इट विल टेक द फुल वाइड्थ अवेलेबल, मींस लेफ्ट राइट जो उसकी वाइड्थ होती है, उसकी जो चौड़ाई होती है ना, वो कहीं से भी कोई स्पेस को मिस नहीं करता है। बेसिकली हम लोग देखते हैं पैराग्राफ, ठीक है, डिव। ये आप लोग को अभी आगे पढ़ना भी है, ये मैं बताऊंगा भी। जिस तरीके से पैराग्राफ होती है ना, पैराग्राफ क्या है, मैंने आपको बताया था ना, एक कंटेनर है जो कि फुल लाइन में होती है। यानी कि आप समझ लो कि जब आप पी को पुट कर दोगे तो एक न्यू लाइन में वो पुट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से होती है डिव। डिव भी एक कंटेनर होती है जिसके अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स को, HTML एलिमेंट को पुट कर सकते हो। यहां तक क्लियर है? डिव भी क्या होती है, एक कंटेनर होती है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट को पुट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से पी एक कंटेनर होती है। वैसे एलिमेंट्स याद रखना, वैसे एलिमेंट जो कि वाइड जिसकी 100% हो, ठीक है, वो सारे ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉक एलिमेंट है जस्ट लाइक एड्रेस, ठीक है। ये आप गूगल पे भी चाहो तो सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि मैं इसमें बस बेसिक बता रहा हूँ। बाद के वीडियो में इसके बारे में भी डिस्क्राइब करूंगा, बट अभी आपको जो नॉलेज लेनी है वो बेसिकली लेनी है ताकि एक नॉर्मल सी वेबसाइट को आप डिजाइन कर सको, ठीक है। अब देखो, उसी में ब्लॉक एलिमेंट बहुत सारे आते हैं, जैसे एड्रेस। एड्रेस क्या करता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए होता है। जैसे एक पैराग्राफ को आप अप डाउन करते हैं ना क्लोज, ये सीधा समझो ना यार, अभी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा था ना डेफिनेशन लिस्ट, जिसके अंदर DT आती है, ठीक है। वो भी क्या है, वो भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। इट मींस कि वो एक न्यू लाइन से जनरेट होती है, वो एक पूरी की पूरी कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारी बॉक्सेस रखी होती है, ठीक है। अब देखो, उसी में आते हैं ब्लैक कॉट। ब्लैक कॉट क्या होता है, एक कोटेशन को शो करने के लिए होता है, ठीक है, जो कि पी के अंदर आप चाहो तो कोटेशन सेट कर सकते हो, टेक्स्ट के अंदर कर सकते हो। उसके बाद आती है DL, H1, H6, ये सारी है टेबल, ये सारी क्या, ये सारी हमारी ब्लॉक एलिमेंट है जिसकी क्या होती है, वाइड होती है, 100% होती है। इसमें वाइड जो है वो सेट नहीं होती है कि जितने दूर मैंने लिखा है बस उतनी ही दूर उसकी वाइड रहेगी। जैसे मान लो कि मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एड्रेस के बाद ये लाइन लिख रहा हूँ तो ये नहीं कि ये इतने दूर में ही सीमित रहेगा, ठीक है, ये फिर भी मेरा क्या लेगा, यहाँ तक का पूरा स्पेस ये कवर करेगा। यानी कि ये जहां तक मेरी स्क्रीन का साइज रहेगा, वाइड जो है इसकी वो 100% रहेगी, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि भैया ये वाइड आपकी कम होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, चाहे वो ब्लॉक एलिमेंट हो, ये सारी क्या है, ये सारे की वाइड जो होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 100% होती है। आप इसमें अगर स्टाइलिंग करके इसकी बैकग्राउंड कलर को चेंज करोगे ना, तो ये देखोगे कि पूरी की पूरी लाइन को ये कवर करता है, ठीक है। उसी तरीके से होता है प्री। प्री क्या होता है, ये प्री का मतलब ये इसको यूज करते हैं हम लोग क्यों, पोयम लिखने में, कोड लिखने में। जैसे अगर
बाय डिफॉल्ट आप डीपी डाल दिए, ये इसकी आप शुरुआत करो। अब चाहते कि ये मैं बस अपने यूजर्स को शो करूं कि भाई ऐसे कोडिंग होती है, ठीक है, तो आप उसमें आप पी का यूज, प्री का यूज कर सकते हो। उसी तरीके से होती है फॉर्म, फॉर्म क्या करता है, फॉर्म क्रिएट करने के लिए होता है। फुटर क्या करता है, बॉटम पार्ट को क्रिएट करने को होता है। फिल्टर क्या करता है, ये कलेक्शन ऑफ ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट है। जस्ट लाइक क्या आपके एक फॉर्म देखते हो ना, जब आप कहीं जाते हो, आप इंक्वायरी फॉर्म फिलअप करते हो, कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हो तो, या स्कूल वगैरह ज्वाइन करते हो, वहां से एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। तो उस फॉर्म में आपका नाम रहता है, ईमेल एड्रेस रहता है, फोन नंबर रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है, पेरेंट्स नेम रहते हैं, ठीक है। तो वो सारी क्या हो गया, वो सारे जो कलेक्शन आकर एक फॉर्म में जो आपको फॉर्म देता है, वो समझ लो एक कंप्यूटर की भाषा में उसे हम फील्ड सेट करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक फॉर्म फिलअप करने के रहता है। वो सेम चीज यहाँ भी रहता है, सेम चीज यहाँ भी रहता है। इसको आप चाहो तो फील्ड सेट के अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे मान लो कि एक स्कूल का नाम लेते हैं, डीएवी पब्लिक स्कूल ले लेते हैं, ठीक है। अब डीएवी पब्लिक स्कूल, उसके नीचे उसका एड्रेस, उसके नीचे उसका ईमेल एड्रेस, उसके बाद उसका फोन नंबर, ठीक है। तो ये सारे फील्ड सेट है। इट मींस कि यूज टू कलेक्ट द ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट लाइक अ नेम, ईमेल, फोन नंबर, ETC, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट में अभी तक कोई दिक्कत होगी तो बताना यार, ठीक है। अब देखो इसमें बहुत सारे और भी आते हैं, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। जस्ट लाइक कैनवास आता है, फिगर आता है, LI आती है, OL आते हैं, OL भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, UL भी पढ़ा हुआ है। सारा क्या है, ये सारे हमारे ब्लॉक्स एलिमेंट है। इट मीन्स कि ये सारी एक न्यू लाइन से स्टार्ट होती है, कहीं भी बीच में नहीं घुस जाती है। वो महावीर मंदिर का वो लाइन नहीं है कि कहीं भी भाई एक आदमी लगा हुआ है तो उसके पीछे जस्ट जाके बीच में घुस जाओ, ठीक है। देखो जस्ट इसी का अपोजिट होता है इनलाइन एलिमेंट। इसका अपोजिट कैसे होता है इनलाइन एलिमेंट, तो ये मान लो कि ये वर्ड मेरा यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, ये वर्ड मेरी यहाँ से शुरू हुई। इनलाइन एलिमेंट ही नेवर स्टार्टेड विद अ न्यू लाइन। पहली चीज की इसका जस्ट अपोजिट कर लो, यानी कि इसमें जो होता है ना, ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता, आप बीच में कहीं भी इंसर्ट कर सकते हो इसे, ठीक है। बेसिकली जस्ट लाइक आपको कोई हाइपर लिंक देना है, कहीं किसी किसी वेबसाइट में या फॉर्म वगैरह आप भरने जाते हो तो वहां पे अगर आपको समझ में नहीं आता है, उस डायरेक्ट वेबसाइट पे आप नहीं जा सकते, तो उस समय आप क्या करते हो, उसमें आप ये करते हो कि आप उसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए एक टेक्स्ट होता है, जिसमें कि आप जब क्लिक करते हो ब्लू कलर का रहता है, ठीक है, वो क्लिक करते हो तो उसके जरिए आप पहुंच जाते हो। जस्ट लाइक उसमें लिखा रहता है क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म, ठीक है। तो वो सारी क्या होती है, वो सारी इनलाइन एलिमेंट होती है, यानी कि जितने दूर का टेक्स्ट है उतना ही दूर का वो शेप कवर करेगा, यानी कि उतना ही दूर की वो व्हाइट को कवर करेगा। जस्ट लाइक मान लो कि ये इनलाइन एलिमेंट, ये मेरे पूरी लाइन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि ये मेरी व्हाइट 100% कवर करती है, बट यहाँ पे जितने दूर मेरा टेक्स्ट रहेगा बस वो उतने ही दूर की व्हाइट को कवर करेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की व्हाइट को ही ये कवर करेगा, इसको ये कवर नहीं करेगा, क्लियर है, इसको ये कवर नहीं करेगा। इट इज ओनली टेक अप एज मच वाइड इज नेसेसरी, यानी कि जितने दूर हमारी टेक्स्ट रहती है, यानी कि जितना दूर वो एलिमेंट दिखता है उसे कि भैया मुझे इतनी वाइड की जरूरत है, वो उतनी वाइड रखता है। बेसिकली हम लोग देखो इसमें क्या करते थे, हम लोग नॉर्मली ब्लॉक एलिमेंट में पी और डी का यूज करते थे, बट इसमें स्पैन का यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। स्पैन क्या करता है ना, तो बेसिकली स्पैन के जरिए आप एक इनलाइन एलिमेंट को पुट कर सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने अदर ब्लॉक एलिमेंट दिखाया था, उसी तरीके से अदर यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट भी है। अब इनलाइन एलिमेंट में क्या क्या आता है, पहले तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। इट इज द इनलाइन कंटेनर यूज टू मार्क अप अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि एक इनलाइन कंटेनर है जो कि हमारे टेक्स्ट को मार्कअप करने के लिए, हाईलाइटर का यूज करते हो ना आप लोग बुक वगैरह में हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। तो जितनी दूर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट रहती है उतनी दूर आप हाईलाइट करते हो ना, सारी बुक को तो आप हाईलाइट नहीं कर देते हो। जस्ट लाइक इनलाइन एलिमेंट में वही काम करता है, ये कंटेनर होता है, ये तो पूरा का पूरा एक कंटेनर होता है जिसकी वाइट 100% रहती है ब्लॉक एलिमेंट की। बट इनलाइन एलिमेंट को भी एक आप कंटेनर कर सकते हो, ठीक है। और कंटेनर करने के साथ साथ इसमें क्या होता है ना कि आप किसी टेक्स्ट को मार्कअप कर सकते हो, किसी का लिंक जनरेट कर सकते हो, किसी का फुल फॉर्म दे सकते हो, किसी के ऊपर सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, जैसे H2O हो गया, ठीक है, और 2 to the power 3 हो गया, सुपर स्क्रिप्ट 2 to the power 3, इट इज अ सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि 3 जो होता है वो ऊपर होता है, सुपर ऊपर सब नीचे, सिंपल से याद रखो यार, सुपर हो गया वो ऊपर हो गया, सब जो हो गया वो नीचे हो गया। BR क्या करता है, ब्रेक करने के लिए होता है। तो ये क्या करता है, ये न्यू लाइन को जनरेट कर देता है, ठीक है। तो ये भी तो एक इनलाइन एलिमेंट हुआ ना भाई, वहां से उसने ब्रेक कर दिया लाइन को, ठीक है। बी बोल्ड, बोल्ड का क्या काम है, बोल्ड पूरी आपका पूरी के पूरी कंटेनर को तो नहीं लेगा ना, जिस टेक्स्ट के आगे बोल्ड लगाओगे और उसको क्लोज करोगे वो उसी टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट की मदद से आप किसी भी जावास्क्रिप्ट को कहीं भी किसी भी लाइन के बीच में पुट कर सकते हो। जैसे आप इनलाइन CSS देखे हो ना, मैंने बताया था ना कि स्टाइलिंग आप इनलाइन के थ्रू भी कर सकते हो, एक्सटर्नल और इंटरनल भी कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से स्क्रिप्ट का भी यूज करते हैं, जो कि जिसमें कि हम इनलाइन में जावास्क्रिप्ट को पुट कर सकते हैं। सेम एज इट इज लेवल, इट विल बी इट इज यूज्ड टू डिफाइन द लेवल ऑफ बटन,
ठीक है, इनपुट टेक्स्ट एरिया एंड प्रोग्रेस एलिमेंट, यानी कि ये आपको डिफाइन करता है द लेवल ऑफ बटन, इनपुट इनपुट टेक्स्ट एरिया इसका क्या है, ठीक है। जस्ट लाइक ये फॉर्म आपको मैंने एग्जांपल बताया था, ठीक है। इमेज, इमेज क्या करता है, आप इमेज को पुट करते हो तो मेरे पूरे वेब पेज में तो नहीं लेता है ना, ठीक है, वो एक स्पेसिफाइड जगह लेता है, जितनी बड़ी आपकी इमेज रहेगी उतना ही वो जगह लेगा। अगर आप उसे छोटा बड़ा करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देखो दोनों में से किसी का एट्रीब्यूट नहीं होता है भाई, ये हमेशा याद रखना, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट दोनों में से किसी का भी एट्रीब्यूट नहीं होता है। उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, स्टाइल यूज करते हैं, क्लास यूज करते हैं, आईडी यूज करते हैं। क्लास आईडी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आने वाले वीडियो में आपको क्लास के बारे में भी अलग से वीडियो मिलेगी और आईडी के बारे में भी अलग से वीडियो मिलेगी। स्टाइलिंग क्या काम करती है आपने पहले देख रखा है, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट, बस ये जान लो कि ब्लॉक एलिमेंट एक कंटेनर है जिसकी वाइड 100% है, इनलाइन एलिमेंट भी एक कंटेनर है जिसकी वाइड जो है वो टेक्स्ट के ऊपर या उस चीज के ऊपर डिपेंड रहती है जहां उस एलिमेंट की उसे जितनी स्पेस की नीड है वो 100% नहीं लेता है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, लेवल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, बी हो गया, बी आर हो गया, सब सुपर, ठीक है, एब्रीविएशन ए, कोड, कोड के जरिए भी आप किसी वेब पे यूज टू पब्लिश द कोड इन द वेब पेज। जैसे यहाँ पे आपने कोड को पुट करने के लिए प्री का यूज किया था ना ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, तो ये क्या किया था 100% लिया था। लेकिन यहाँ आप अगर कोड का पुट करोगे, कोड सिर्फ लिख कर कोड का ओपनिंग टैग दोगे और क्लोजिंग टैग जब लगाओगे ना, और उसके बीच में जब आप अपने कॉन्टेंट्स को पुट करोगे तो उतना ही स्पेस लेगा जितने में आपका कॉन्टेंट रहेगा, जितने में आप उसके कॉन्टेंट की जगह टेबल इंसर्ट करो, इमेज इंसर्ट करो, ठीक है, कुछ भी इंसर्ट करो वो नहीं चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, सेम एज इट इज बटन यूज टू क्रिएट द बटन इन द वेब पेज, जैसे क्लिक हियर, ठीक है, होम पे क्लिक करते हो आप, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बटन जो होती है वो इनलाइन एलिमेंट होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको ये गूगल से निकाल कर रखा हुआ हूँ, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट का, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल भी ज्यादा है नहीं, एक एक लाइन की प्रैक्टिकल है, बस वो समझने के लिए है कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट, वो भी मैं आपको बस बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा उसके बाद आपको सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एड्रेस हो गया, टाइटल आर्टिकल हो गया, साइड हो गया, ये मैं गूगल से निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो आप चाहो तो आप इसे भी सर्च कर सकते हो और चाहो तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हो गई ब्लॉक एलिमेंट की, क्लियर है यहाँ तक, और उसके नीचे जो है इनलाइन एलिमेंट की एग्जाम्पल्स है, अब क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए हम अपने एग्जाम्पल दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हो, बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगा, और बाकी ये जितने भी एलिमेंट्स है अगर डीपली देखना है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे ये सारे एलिमेंट्स आपकी समझ में आ जाएंगे, क्लियर है। बस लेकिन डीव एलिमेंट्स को याद रखना है, डीव एलिमेंट्स के बारे में एक बार जरूर गूगल पे ही पढ़ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में तो उसे लेके आऊंगा ही, बट फिर भी आप एक बार गूगल पे भी पढ़ लेना उसे, ताकि आप अच्छे से क्लियर हो सको, क्लियर है। अब देखो इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं, चलो जरा इन सबका प्रैक्टिकल एक एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। बेसिकली पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि आखिर ये डिव होती क्या है। डिव एक कंटेनर होती है और कुछ नहीं होता है, जस्ट लाइक हमारा H1 होता है, P1 P होता है, उसी तरीके से मेरा डिव भी एक कंटेनर होता है। मैं इस पर कमांड क्यों लिखूँ, यानी कि कोडिंग में क्यों करूँ, चलते हैं मैं अपने 9th और 10th सेशन में। देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये पुट किया हुआ है, तो जरा मैं इसे हटा देता हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ से ये कमेंट हटाता हूँ और यहाँ पे इसे पुट कर देता हूँ। अब देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट, अब यहाँ क्या करेंगे, डिव लगाएंगे, डिव लगा दिए यहाँ पे, और उसके बाद एक डिव लगा दिए हम लोग, डिव को क्लोज भी तो करना नहीं यार, ठीक है, तो ये डिव को यहाँ पे क्लोज कर दिए। ये देखो ये पूरी की पूरी मेरी, ये देखो लाल बन गए ना यहाँ पे निशान, ये पूरी की पूरी मेरी एक कंटेनर है जिसकी वायर जो है ना यहाँ से लेकर के पूरा ये लाइन यहाँ तक है, वायर जो है मेरा माउस का कर्सर देखना, वायर जो है उसकी 100% है, ठीक है। अब देखो इसकी ये पता कैसे चलेगा कि इसकी वाइड जो है वो 100% है, तो जरा इसमें हम लोग CSS का यूज, इनलाइन CSS का यूज कर लेते हैं, जैसे इनलाइन वो एलिमेंट अभी मैंने बताया था ना, उसी तरह इनलाइन CSS का हम लोग यूज कर लेते हैं। इसमें हम लोग क्या लिख देते हैं, क्या लिखूं बताओ, बैकग्राउंड कलर इसका मैं दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है, जैसे इसका मैं बैकग्राउंड कलर डाल दिया, ब्लैक डाल देता हूँ, या हाँ ब्लैक ही डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए, ब्लैक हो गया, क्लियर। अब देखो ये ब्लैक कर लेते हैं, अब इसकी क्या करते हैं, हम पैडिंग ले लेते हैं, ब्लैक नहीं, उसके बाद मैं इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करूंगा, कलर इज इक्वल कलर कोलोन व्हाइट कर देता हूं मैं,
ठीक है। और इसके बाद इसमें थोड़ी पैडिंग डाल देता हूँ। पैडिंग का मतलब आपको पता है ना, कंटेंट्स के ऊपर पैडिंग ट्रांसपेरेंट होती है, पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं ध्यान है तो चेक कर लेना यार। ठीक है, पैडिंग डाल दिया। अब इसे मैं जरा रन करवा के दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली ये क्या है हमारे लिए, डीबी कंटेनर है, उससे ज्यादा ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखना, जैसे ही मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये क्या किया कि मेरा फुल वाइट ले लिया, ये देखो फुल वाइट यहाँ से यहाँ तक ये ले लिया, कवर कर लिया ना। उसके बाद ये बाकी इसके अंदर की जो चीजें हैं वो बाद की बात है। तो ये आपको क्लियर है, ये सारे सिस्टम को ही चेंज कर दिया, पूरे डिव जो है वो पूरे बॉक्स को, यानी कि वो अपने पूरे कंटेनर के बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया। उस कंटेनर के अंदर जितने भी कॉन्टेंट्स है, यानी कि जितने भी उसके अंदर टेक्स्ट है, ठीक है, उन सबको क्या किया उसने, व्हाइट कर दिया। और सबकी पैडिंग मैंने क्या दे रखी थी, 20 पिक्सल। कितनी दे रखी थी चेक कर लो यार एक बारी, 15 पिक्सल दे रखी थी, सॉरी। तो ये क्या किया, 15 पिक्सल पैडिंग अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट चारों साइड से कवर कर लिया। पैडिंग लेफ्ट भी होता है, पैडिंग राइट भी होता है, ये भी आप याद रखना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं उसमें मैं क्या करता हूँ कि यहां से इसे हटा देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं किसी लाइन में पुट कर देता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट किया और यहाँ से इसको इसमें पेस्ट किया, ठीक है। अब ये देखना कि ये सिर्फ जो H1 की हेडिंग है ना उसी में ये चीजें अलाउ करेगी, और तब आपको पता चलेगा कि भैया H1 भी जो है ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। मैंने इसमें ये तो नहीं लिखा है कि भैया कितने दूर का टेक्स्ट है या क्या है, क्या नहीं है, वर्ड कितनी लेनी है नहीं लेनी है, अभी कुछ नहीं लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी वर्ड नहीं है, मैंने बस पैडिंग या चाहो तो आप पैडिंग को भी हटा के देख लो, ठीक है। पैडिंग में मैं हटा देता हूँ, अगर आपको लोग को ये लगता है कि पैडिंग के जरिए सर आप स्पेस कर सकते हो कवर, चलो मैं पैडिंग को भी हटा देता हूँ। अब इसे मैं रन करवा के आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपने क्या, ये मेरा क्या किया, H1 का पूरा ये देखो यहाँ से ब्लैक ये जो कवर किया व्हाइट इसकी वो 100% इसने कवर कर लिया है। तो इसी के कहते हैं ब्लॉक एलिमेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब चलो ये इनलाइन एलिमेंट का मैं यूज करके दिखाता हूँ कि इनलाइन एलिमेंट को कैसे यूज किया जाता है। अब देखो इनलाइन एलिमेंट के लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक मैं स्पैन लगा दूंगा, ये बीच लाइन में, मंदिर के बीच लाइन में मैं इसे पुट कर दिया, और यहाँ पे इज के बाद मैं यहाँ इस स्पैन को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये क्या करेगा ना, यहाँ पे जब क्लोज किया तो इसे कहते हैं इनलाइन, यानी कि लाइन के बीच में घुस के कुछ को किसी चीज को डिजाइन करके निकल जाओ। अब स्पैन करने के बाद मैं यहाँ पे स्टाइल का यूज कर लेता हूँ, ठीक है, स्टाइल हो गया आपका। इसको मैं कर लेता हूं क्या, बैकग्राउंड ना, बैकग्राउंड नहीं करता हूँ इस बारी, मैं आप लोगों को बॉर्डर करके दिखाता हूँ इसका बॉर्डर कैसे होता है। तो चलो बॉर्डर पे मैं चलते हैं, बॉर्डर पे क्या करेंगे हम, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, क्लियर है, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ये हमारा बॉर्डर हो गया, सॉरी हाँ बॉर्डर हो गया। अब देखो जब मैं इसे सेव करके फिर रन करवाऊंगा तो ये क्या किया, सिर्फ एक सिंगल और सिंगल इसने पूरी वाइट तो नहीं ली ना, देखो ये इसकी तरह पूरी वाइट तो कवर नहीं कर रहा है, इसने बस इसको कवर किया, ठीक है। अगर इसको ज्यादा क्लियर देखना है तो ये भी कर लेके देख लेते हैं, देखो इसको भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये पुट किया मैंने, सेव किया, रन करवाया, ये देखो यहाँ पे उसने स्पैन जहाँ पे मैं यूज किया था तो ये बस जितना दूर मेरा कंटेंट था, ये जितना दूर मेरा ये कंटेंट था उतने ही दूर के एरिया को इसने कवर किया है। बट ब्लॉक एलिमेंट यानी कि H1 में इसने क्या किया था, पूरी की पूरी इस लाइन को कवर किया था। H1 में क्या किया था, ये पूरी लाइन को इसने ब्लैक कर दिया। इट मीन्स कि ब्लॉक एलिमेंट की वाइट जो होती है 100% होती है, इन लाइन एलिमेंट की जो वाइट होती है एज पर डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेंट। अगर आप इमेज मान लो ये इमेज यहाँ पे इतना बड़ा रहेगा, ठीक है, यानी कि समझ लो कि 650x200 की इमेज है पिक्सल की, तो अब क्या करेगा वो उसके लिए तो 100% वाइट नहीं लेगा, वो उतना ही लेगा 600x200 पिक्सल और 300 पिक्सल, जो आपका इमेज का बाय डिफॉल्ट साइज रहेगा वो उतने दूर में ही वो पुट करेगा। यहाँ तक क्लियर है, तो यही अंतर है भाई बस इनलाइन एलिमेंट में और ब्लॉक एलिमेंट में। इनलाइन आपका उतना ही टेक्स्ट कवर करता है, यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को क्लियर ना हो तो भाई प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना। तो अरे एक बार और ये चीज, ये एग्जांपल्स को आप देख लेना, ये एग्जांपल आगे चल के आप लोगों को ये जितने भी आपके यानी कि एलिमेंट्स है ये सारे आपको काम आने वाले हैं। अभी आप लोगों को बेसिक के लिए मैंने बता दिया कि ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं किसको है और इनलाइन एलिमेंट कहते हैं किसको। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो कमेंट करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।